सो हाय एवरीवन, आप लोग के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ में बात करने वाले हैं 10th स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। अगर आप भी अगर 2024 में 10th स्कॉलरशिप पास करने हेतु जो आप लोग को ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला है, जिसमें आप लोग को जान सकते हैं कि जेंट्स और जान सकते हैं कि फीमेल और मेल दोनों का आप लोग को 10,000 रुपये आप लोग को मिलता है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए होंगे तो उस कंडीशन में आप लोग को फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। क्यों रिजेक्ट किया जाएगा, इसका आप लोग को वेरीफाई कैसे करना है, या आप लोग को ऑनलाइन जो आप लोग को ऑनलाइन करना है आप लोग कैसे करना है, वो हम आप लोग को मैं स्टूडेंट बताने वाले हैं। लेकिन आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कुछ और टाइप वीडियो बनाकर आप लोग को बता सके। सबसे पहले तो जान सकते हैं कि आप लोग को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। रिजेक्ट इसलिए आप लोग को किया जा रहा है कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, जब आप लोग स्कॉलरशिप पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम में जान सकते हैं कि साइबर कैब वाले जैसे सकते हैं कि नेट पर जो आप लोग मार्कशीट जो नेट पर है वो मार्कशीट आप लोग को जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट में आप लोग को 10th के मार्कशीट अपलोड करना है और उसमें आप लोग को जान सकते हैं कि एडमिट कार्ड अपलोड करना है। तो उस कंडीशन में एडमिट कार्ड नहीं, आधार कार्ड अपलोड करना है। जान सकते हैं 10th के मार्कशीट अपलोड करना है और आधार कार्ड अपलोड करना है। तो उस कंडीशन में तो साइबर कैब वाले आधार कार्ड तो अपलोड करते हैं, मगर जान सकते हैं कि काफ़ी साइबर कैब वाले गलती किए हैं कि आप लोग को नेट के मार्कशीट के जगह पर जान सकते हैं कि सॉरी आप लोग के स्कूल के मार्कशीट के जगह पर आप लोग को जान सकते हैं कि 10th के मार्कशीट जो नेट पर है वो अपलोड कर दिए हैं। उस कंडीशन में जान सकते हैं काफ़ी सालों को डीयू वेरीफाई नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों को फलस ने वेरीफाई नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों को मदर्स ने वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा है, जान सकते हैं कि आप लोग जब आप लोग नेट पर आप लोग नेट वाला जो आप लोग अपलोड किए हैं उसमें आप लोग को डेट ऑफ बर्थ तक नहीं लिखा कर आता है, उसमें आप लोग को मम्मी का नाम आप लोग को नहीं लिखा कर आता है। तो उस कंडीशन में मैच नहीं होने के कारण आप लोग को आगे आप लोग को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, जान सकते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हड़बड़ाए नहीं, जब तक आप लोग जान सकते हैं कि 10th के मार्कशीट आप लोग को स्कूल में आप लोग को जल्दी आने वाला है। 15/5/2024 तक इसका लास्ट डेट है, इसका आप लोग को लास्ट डेट बढ़ेगा, इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ आप लोग को गलती होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ सही करवा लें, और आप लोग को जब तक आप लोग मार्कशीट नहीं आता है जब तक आप लोग को ऑनलाइन नहीं करा है। सबसे पहले अगर आप लोग ऑनलाइन करवाते हैं तो जान सकते हैं कि आपका ही जिम्मेवारी होगा, आपको जान सकते हैं कि वहाँ पर आप लोग को अपलोड किया जाएगा नेट वाला ही मार्कशीट, उस कंडीशन में वेरीफाई नहीं होगा, आप लोग को बीच में अटका कर रखा जाएगा। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जब आप लोग के कॉलेज में या स्कूल में आप लोग को जान सकते हैं कि मार्कशीट आ जाएगा उसी के बाद आप लोग को ऑनलाइन करना है, उससे पहले आप लोग को ऑनलाइन नहीं करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉलेज में जाकर आप लोग पता लगाते रहिए, इसका आप लोग को लास्ट डेट बढ़ेगा, इस वालों को भी दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ आप लोग गलती बुझाता है तो आप लोग आधार सेंटर पर जाकर आधार कार्ड भी आप लोग को सुधार करवा लेना है। नोटिफिकेशन कैसा रहा कमेंट कीजिएगा, और आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा या आप लोग आप भी अगर गलती अपलोड कर दिए होंगे या आप जान सकते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन कैसा रहा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।